टोक्यो ओलंपिक में कल पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। हालांकि इस मुकाबले के अंतिम पलों में रवि कुमार दहिया के विपक्षी खिलाड़ी कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेवे उन्हें दांतों से काटते दिखे। इसकी कई तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और अब फैंस कजाकिस्तान के खिलाड़ी की खेल भावना पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल नूरिस्लाम सनायेवे इस मुकाबले में ज्यादातर समय तक रवि दहिया पर हावी थे, लेकिन मैच के अंतिम पलों में रवि ने शानदार दांव लगाते हुए कजाकिस्तान के पहलवान को फॉल डाउन करते हुए मैट पर चित कर दिया। इस फॉल डाउन के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान की रवि को दांत काटने की ये शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। मैच के तुरंत बाद रवि रेफरी से इस बारे में शिकायत भी करते नजर आए। निश्चित तौर पर खेल के मैदान में इस तरह की घटनाएं चौंकाने वाली है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खेल के मैदान में इस तरह की कोई शर्मनाक घटना हुई है। इससे पहले भी कई मुकाबलों के दौरान विश्व के कई नामचीन खिलाड़ियों को मैच के दौरान दांत काटने की ऐसी शर्मनाक हरकत करते देखा गया है। आइए जानते हैं इससे पहले कब कब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लंदन ओलंपिक, सुशील कुमार ने काटा था कजाकिस्तान के पहलवान का कान। सुशील ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों के फ्रीस्टाइल कुश्ती के 66 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान अक्जुरेक तनात्रोव के कान पर काटा था। हालांकि सुशील पर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो ये मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। सुशील ने इन ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। माइक टाइसन ने काट दिया था इवांडर होलीफील्ड का कान। बॉक्सिंग में अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर माइक टाइसन ने भी 1997 में ऐसी ही एक हरकत की थी और इसका उन्हें बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा था। इस मैच में टाइसन ने इवांडर होलीफील्ड का कान काट दिया था। उनकी इस हरकत के लिए टाइसन को इस मैच से निलंबित कर दिया गया और होलीफील्ड को विजेता घोषित कर दिया गया था। साथ ही इसके चलते टाइसन का बॉक्सिंग का लाइसेंस भी छीन लिया गया था। लुइस सुआरेस पर लगा था 9 मैच का प्रतिबंध। उरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेस ने 2014 विश्व कप में इटली के खिलाफ मुकाबले के दौरान इटली के खिलाड़ी जॉर्जियो को काटा था, जिसके बाद फीफा ने उन पर 9 मैच का प्रतिबंध लगाया था। फुटबॉल के चर्चित खिलाड़ी फ्रांस के जिनेदिन जिदान ने 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में इटली के खिलाड़ी को अपने सिर से मारा था। इसके बाद रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखाकर खेल से बाहर निकाल दिया था। ABP News आपको रखे आगे।